इस वेले दी वड्डी खबर गोविंदबाल साहिब तो जिथों दा थर्मल प्लांट भी बंद होण दी तदार ते है। दस्या जा रहा है कि प्लांट दा एक ही यूनिट काम कर रहा है ते कोले दी किल्लत दी वजह दे कारण ओ भी बंद हो जाएगा। दस दिए कि माल गड्डियां बंद होण दे चलदे आ पंजाब दे विच कोला नहीं आ रहा, जिस दे चलदे पंजाब दे ज्यादातर थर्मल प्लांट बंद हो चुके ने ते जो इक्का दुक्का यूनिट चल भी रहे ने ओ भी बंद होण दी तदार दे उत्ते ने, जिस दे नाल पंजाब च आउण वाले कुछ ही दिनां दे विच वड्डे बिजली संकट नाल जूझना पै सकदा है। दस दिए कि PSPCL दे वल्लों भी यह दस्या गया है कि पंजाब दे पिंडां विच बिजली कट लग रहे ने ते हुण वड्डे शहरां दे विच भी बिजली कट लगने शुरू हो जाणगे, क्योंकि हुण बिजली संकट पंजाब दे विच आ रहा है ते हुण पंजाब दे ब्लैक आउट दा खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि 5 थर्मल प्लांट्स दे विच 3 थर्मल प्लांट्स बंद हो चुके हैं, जो 2 थर्मल प्लांट है उस दे विच एक लहरा मोहब्बत थर्मल प्लांट है वो भी आज असी शुरू कीता, सो बट उसका कैपेसिटी बहुत मिनिमल है आज दे पावर डिमांड देखते हुए। असी पावर एक्सचेंज तो लगभग 3000 मेगावाट ड्यूरिंग डे टाइम असी पावर खरीद रहे हैं, सो ये बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी दे विच खरीद रहे हैं। अवेलेबिलिटी भी कभी कभी प्रॉब्लम आ रहे हैं। आज दे दिन असी बिड 3000 मेगावाट का बिड पाया पर सानू मिला ऐसी सिर्फ 2500 मेगावाट। एज ए रिजल्ट 500 मेगावाट सानू पावर एक्सचेंज तो भी नहीं मिला। सो एज ए रिजल्ट असी कुछ पावर कट्स भी इम्पोज कर रहे हैं, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर हैं, वेजिटेबल सेक्टर हैं, जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, जो अर्बन टाउन्स हैं, कमर्शियल एरियाज हैं, वहाँ भी असी पावर कट्स इम्पोज कर रहे हैं। गोविंदवाल साहब तो ब्यूरो रिपोर्ट N7 न्यूज़।